नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ टिप्स के बारे में, या यूं कहें कि स्वास्थ्य संबंधी टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं गर्म पानी के फ़ायदों के बारे में। गर्म पानी पीने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बीमारियों से बचा जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्म पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिनको रोका जा सकता है, जिनको होने से पहले ही हम उनसे बचाव कर सकते हैं। गर्म पानी दिखने में तो बहुत ही सिंपल चीज़ लगती है, बहुत ही इजी चीज़ लगती है, लेकिन यह आपको हेल्थ बेनिफिट्स कितने प्रकार के देता है यह आप शायद नहीं जानते होंगे। उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गर्म पानी पीने से आपको डाइजेशन ठीक रहता है, आपका पाचन ठीक रहता है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स दूसरे जैसे कि हार्ट आपको टोनअप हो जाता है, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाता है, आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। इस प्रकार के कई जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं यह गर्म पानी पीने से, सुबह सुबह एक या दो गिलास पानी पीने से आपको मिल सकते हैं। आपको गैस, एसिडिटी और पाचन में जो खराबी आ रही है उनमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। गर्म पानी पीने से सबसे पहला बेनिफिट जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो डाइजेशन का है। यानी आपकी आंतों में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं, खाना पचने के बाद में भी वो फंसे हुए रह जाते हैं, वो इससे क्लीन अप हो जाते हैं। आपकी इंटेस्टाइन जो है वो डिटॉक्स हो जाती है, आपकी आंतें पूरी तरह से साफ हो जाती है। सिर्फ आपको सुबह सुबह एक या दो गिलास गर्म पानी पीना है। दूसरा जो हेल्थ बेनिफिट है वो हार्ट से रिलेटेड है। गर्म पानी हार्ट को टोनअप कर सकता है, हार्ट की एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, हार्ट के मसल्स को जो है टोनअप करता है। साथ ही साथ बॉडी में जमने वाले जो हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स है या कोलेस्ट्रॉल है, उसको यह क्लीन करने में, उसको बॉडी से बाहर निकालने में गर्म पानी आपको बहुत ही मदद करता है। तीसरा अगर पॉइंट बात करें तो CNS पे भी यह इफेक्ट अच्छा देता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। आप फ्रेश फील करते हैं, आपका जो है नर्वस एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं, आपको एंजाइटी की संभावनाएं कम रहती है अगर आप सुबह सुबह एक या दो ग्लास गर्म पानी पीते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है रूमेटिज्म पे, या यूं कहें कि जॉइंट्स पे, आपकी जॉइंट्स बहुत ही जो है हेल्दी रहते हैं। गर्म पानी पीने से आपके बॉडी में जमा यूरिक एसिड का लेवल जो है वह कम होता है, यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के साथ में। साथ ही साथ जॉइंट्स में होने वाले इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को भी गर्म पानी कम करता है, टॉक्सिन्स को कम करता है, जिससे कि आपको जॉइंट्स में सूजन की समस्या, यानी जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में आपको गर्म जो एहसास होता है, इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं उन सभी सिम्टम्स में गर्म पानी आपको मदद कर सकता है। जुकाम और साइनस के जो केसेस होते हैं, जिनको रेगुलरली जुकाम बना रहता है, या PNS जो पैरानजल साइनस होते हैं या फ्रंटल साइनसेस होते हैं, उनमें इन्फेक्शन की जो कंडीशन बनी रहती है या उनकी टेंडेंसी होती है कि उनको नज़ला या जुकाम लंबे समय से बना हुआ है, ऐसे पेशेंट्स में भी गर्म पानी काफ़ी मदद करता है। आप सुबह सुबह एक या दो गिलास गर्म पानी पिए, इसको आप सिप बाय सिप करके पिए, उसको आप काफ़ी देर तक मुंह में आप भर के रखें, जिससे कि आपके पैरानजल साइनसेज में सेक लगेगा, उसमें गर्माहट होगी, जिससे कि PNS में इन्फेक्शन की जो समस्या यानी साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है यह काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी, और आपका जो जुकाम कंटिन्यू बना रहता है उसको भी रिमूव करने में, उसको भी मैनेज करने में आपको मदद मिलेगी। ये 4 से 5 जो सिस्टम मैंने आपको बताए, इन सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में गर्म पानी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं तो आपका जो मोशन है, आपका स्टूल है, वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, आपका पाचन अच्छा बना रहेगा, आपका मोशन जैसे ही क्लियर होगा तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा, आपको बार बार क्लोजेट के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बार बार फ्रेश होने के लिए नहीं जाएंगे, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग भी दूसरी एक्टिविटीज़ में ध्यान दे पाएगा, आप एक्टिव रहेंगे, दिन भर आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। इस प्रकार के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको सिर्फ एक या दो ग्लास गर्म पानी पीने से मिलेंगे।
अब बात करते हैं कि यह पानी कैसे प्रिपेयर करें या इस पानी को कैसे यूज करें। आपको सुबह सुबह जो है एक या दो गिलास जितना आप ले सकते हैं पानी, जितना आप पी सकते हैं इजीली, उतना पानी आप गर्म कर लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके ठंडा कर लीजिए, यानी कि एक नॉर्मल ल्यूक वार्म पानी हो जाए, पीने लायक हो जाए, जिसको आप इजीली पी सकें। इस प्रकार का गुनगुना पानी आपको एक या दो गिलास पीना है और धीरे धीरे आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे एक से दो गिलास, दो से तीन गिलास भी आप इसको कर सकते हैं। पानी को जो है बैठकर पीना है, खड़े खड़े नहीं पीना है। खड़े खड़े पीने से काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं। आपको बैठकर पीना है और सिप बाय सिप करके धीरे धीरे पीना है। इससे आपकी आंतों का सारा कचरा जो है बाहर निकल जाएगा, आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगी। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।